गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गाइस यार, हमारी टीम उठ चुकी है और पुनीत ने अपना नेक बैंड उतार दिया है क्योंकि आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है। जो MRI वगैरह की भी रिपोर्ट आई है, इतना ज्यादा मेजर इशू कुछ नहीं है, बट यस स्ट्रेन तो है ही है। कैसा लग रहा है अब? Okay, better. पहले से बेटर लग रहा है। सनाया, आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह सारे? एग्जाम्स आ रहे हैं। अनाने आपके भी हैं? सनाया एग्जाम कब से? इसकी एग्जाम दिसंबर से पढ़ने से गई, इसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई है। 2018 आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं। अच्छा, वो तो तेरे को आते ही होंगे, वो तो तूने वैसे ही याद कर रखा होगा। और अगर सनाया आपको पता है, ये भी बड़ी पढ़ाई आई थी। अच्छा। ये बड़ी पढ़ाई है और सबसे ज्यादा पढ़ाकू है हमारे घर के अंदर ये बच्चा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई का एग्जाम है और सुबह से उठ के लिख रहा है नॉन स्टॉप। देखो ये पेज, सॉरी नोट में आ गया, ये पेज मैथ से बेइज्जती कर दिया। ये पेज अरे यार बस कर, ये पेज सॉरी इतने सारे पेज लिखे मैंने। चलो अच्छा है, मैं ब्रेकफास्ट इनका चल रहा है, ये प्लेटें खाली हैं और इधर बना हुआ है पोहा और ये चाय। मैंने गोभी वाली रोटी खाई। गोभी वाली रोटी? मैं अपनी राइटिंग नहीं दिखा सकता। मगर क्यों? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर पुनीत आज तेरी तबीयत थोड़ी और शाम तक देख लेते हैं, अगर और बेटर होती है तो आज फिर बहुत दिन हो गया यार, कहीं बाहर चलते हैं डिनर करने। ठीक है Okay. तो आज इतना आराम से रेस्ट कर, देखो अगर बेटर लगता है लेट्स गो। नहीं नहीं मम्मा, बेटर ही फील करोगे, कुछ नहीं होता, बेटर फील करोगे। बहुत तेज हो रहा है, हो जाएगा। बाहर के खाने से तो सब बेटर फील। चलो चलो चलो, नहीं तो मम्मा घर का सामान बाहर ले जाएंगे, हम बाहर का खा लेंगे। वैसे भी मम्मा वो एक अंडा करी। अगर हम लोग, अगर मम्मा नहीं जाएगी तो मम्मा के लिए एक करी बनवा देंगे। सनाया कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। या फिर वो पनीर की भुर्जी बना देंगे। पनीर का रोल, अदरक की सब्जी, अदरक की सब्जी। ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं सबको, एक एक मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं उसका व्लॉग बनाऊं, मारने का व्लॉग। ये भी ठीक है। चलो भैया जल्दी से, अगर शाम को देखते हैं, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो वील मूव। ओके भाई, मम्मा का। A few moments later. तो गाइस यार, इनकी अब डांस प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ये कर रहे हैं अपनी डांस प्रैक्टिस। और फिर फाइनली हम लोग, अभी पुनीत की तबीयत पहले से बेटर लग रही है, कौन अच्छा कर रहा है इनमें से समझ में ही नहीं आ रहा। इधर से लाइट प्रॉपर आ रही है, ये क्या है? सही कर रहे हैं भाई, ये भी ठीक है। Not bad. तो सही है गाइस, तो अब तुम लोग फिर, अच्छा कितनी देर चलेगी तुम्हारी डांस प्रैक्टिस? 15 मिनट और। तो अब तो शनाया कंगी वंगी करा के सब लोग चेंज करके तैयार हो जाओ, फिर मम्मा कह रही है कि वो मम्मा को थोड़ा बेटर लग रहा है तो शायद हम लोग जा पाए। बट तुम लोग तो, तू क्यों थक गया भाई, थक गया क्या? ये कह रही है ऐसे करना है। अच्छा वो स्टेप ही गलत कर रही है। ये चलो कोई नहीं, नहीं जल्दी से तैयार हो जाओ, डांस प्रैक्टिस कितनी देर चला के अपनी खत्म करके क्लास करके लेट्स गेट रेडी। ओके ओके। Later that same evening. तो गाइस यार, फाइनली हमने पुनीत को मना लिया है कि हमारे साथ चले, बिकॉज वो पूरा दिन घर में बैठ के तबीयत खराब, दर्द 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 में पूरा परेशान हो चुकी है। तो अब फाइनली चलेगी हमारे साथ? चलूंगी। चलेगी बिकॉज इसको भी चेंज चाहिए। गाइस क्या बोलते हो, मम्मा को घुमा के लाए कहीं? क्यों नहीं। चले तो भैया, हिम्मत करिए पुनीत ने। गाइस तो इतने आपके विशेज आए हैं, उस विशेज से ही ये थोड़ी बेटर हो गई है। और अब जा रहे हैं हम, ये देखो इनकी गेम यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, ये गेम नहीं रुकती है। सुनते तो है नहीं ये लोग, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर तोड़ेंगे कभी ना कभी, जब टूटेगा। तो अब ये देखो, ये फिर से नहीं मान रही है। चले पुनीत यार, ये कुछ ना कुछ तोड़ के ही मानेंगे यार। चलो थोड़ा बेटर लग रही है गाइस, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहो, ये पूरी ठीक हो जाएगी। A few moments later. गाइस हम जाने लगे हैं पुनीत को लेके, और शनाया ने अपने आप को चोट लगा ली है, मुझे उसको बैंडेड लगानी पड़ेगी। गाइस देखो बैंडेड, कितनी सुंदर बैंडेड है, हेलो किटी की बैंडेड। तो अब इसको यहाँ पे लग गई है,
हल्की सी, तो इधर लग गई है, तो इधर यहाँ लगी है। सियान वीडियो बना रहे हैं, सियान कह रहे हैं मुझे तो बता दो कि कहाँ लगी है, कम से कम वीडियो में दिखा दो। छोटी सी लगी है, ज्यादा नहीं लगी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर वहाँ पे चप्पल पहनी है ना, तो उसका थोड़ा सा पैर वहाँ टच होगा, तो मैंने कहा बैंडेड लगा लो, सही पकड़े हैं, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लगा दी हमने इसके बैंडेड, बढ़िया सी हेलो किट्टी की। दिखाओ, मैं दिखाता हूँ बैंडेड। ये देखो गाइस, यहाँ हमने लगा दी है बैंडेड, और ये वीडियो बना रहा था सियान। हाँ जी। तो गाइस हम ले आए हैं पुनीत को, हम पुनीत को ले आए हैं डिनर करवाने हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे सारे बच्चों ने, हाँ भाई दर्द हो रही है, कोई सेंस है इस बात की? पेन किलर खाकर आई है। पेन किलर खा के आई है। यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए, मम्मा को लगा बेटर लग रहा होगा ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बेटर तो लग रहा है भाई, थोड़ा हमने कहा चेंज हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, शी इज फीलिंग बेटर। गाइस ये देखो, डिनर से पहले हम लोग कहाँ आ गए हैं, आइसक्रीम पार्लर आ गए। क्या बोला तूने? हेलो सर, हेलो हेलो, ये कहाँ छुपा हुआ है? डिनर, डिनर से पहले ये यहाँ पे आ गए हैं। इसकी वजह है गाइस, क्योंकि हमारी वहाँ पे रेस्टोरेंट में वेटिंग चल रही है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर एसी में वेटिंग कर लेते हैं। गाइस ये देखो आइसक्रीम टेस्ट कर रही है फ्री में। अरे भैया मत कराओ, इसने लेनी नहीं है, वो ये नहीं लेगी। ये देखो ये टेस्ट करके भाग गई, बहुत तेज हो रहा है, ये खरीदे ही नहीं, इसको टेस्ट मत कराओ बाद में। हाँ भैया को बुद्धू बना के जा रहे हो तुम। भैया ये हर रेस्टोरेंट में जाके ऐसे करती है। गाइस ये बहुत ही सुंदर आइसक्रीम यहाँ पे मुझे दिख रही है, मैं ये आइसक्रीम अब खाने लगा हूँ। मेरा फेवर आया। भाई बड़ा गंदा फ्लेवर होगा ये तो फिर। बहुत स्वाद है गाइस, बहुत स्वाद है, नट्टी बट्टी कट्टी मट्टी, पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, ये मट्टी फ्लेवर है, मट्टी फ्लेवर। तो हमारे स्नैक्स आ चुके हैं, शनाया की प्लेट है, अनान्या। गाइस अनान्या की प्लेट में गलती से चिली पनीर गिर गया था, इसलिए ज्यादा हो गया। हाँ भाई मजा आ रहा है, यम्मी यम्मी मजा आए है मजे। तो हमारा मेन कोर्स आ गया है, दाल मखनी, पनीर मखनी, बटर नान। हमारे मेन्यू में आप जैसे कुछ Later that same evening. तो गाइस यार अब हम जा रहे हैं वापस घर, और पुनीत बहुत थक गई है, उसके पेन शुरू फिर से हो गई है, इसलिए वो लेट गई है, सो गई है, और बच्चे पीछे अपना शनाया भी सो गई है, और अनान ने आइसक्रीम खा ली है। सियान जाग रहा है, सो रहा है? जाग रहा है, जाग रहा है। तो हम पहुंचने वाले हैं घर, लेट अस सी, फिर ये उठती है, फिर पूछेंगे इसकी तबीयत कैसी है। A few moments later. तो गाइस यार फाइनली घर पहुंच गए हैं सही सलामत, ये भी सही सलामत है, इसको वन पीस में ले आए हैं इसको, ये देखो इसको जी दिखा। ये क्या है गाइस यार, इसकी जीप क्यों ऐसी है, आप कमेंट करके बताओ कि इसकी जीप ऐसी क्यों है। अरे तू नहीं बता सकता, वो हमारे जो फ्रेंड्स देख रहे हैं वो बताएंगे। तो कैसी है अभी, अब तू अपनी तबीयत बता दे फाइनली। मेरे को बहुत भूख लगी थी, वहाँ जाके मैंने बहुत यम्मी खाना खाया और ओवर खा लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे मम्मा मैंने ओवर क्यों खाया। गैस इतने दिन से घर में पड़ी थी तो पड़ी थी, क्या मतलब होता है, घर में रेस्ट कर रही थी, तो इसलिए इसको आज बहुत ज्यादा जोश चोट लगी थी, इसलिए मैं आराम कर रही थी, पड़ी थी। इतने दिन से हमने इसे घर में रखा हुआ था, तो बातें आ गई। हां गाइस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपने देखा ही है, तो चलो कोई बात नहीं, सबकी गुड विशेस के लिए। अगेन ये लड़की को कोई लेना देना नहीं है, कह रही मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। मैंने ऐसे बॉल उछा ली ऊपर उसके। तो गाइस चलो, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर विशेस यार, लव यू ऑल। तो गाइस माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना, और हमारे वीडियो देखते रहना। हमारे चैनल RS1313।
ब्लॉग्स पे। मम्मा की तबीयत कैसी है ये देखने के लिए क्लिक किया। क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है। क्लिक 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 क्लिक।